हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट फॉर यूनिट वेक्टर्स। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने पढ़े थे क्रॉस प्रोडक्ट फॉर टू वेक्टर्स क्या होता है, जहां पे हमने देखे थे अगर दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, उन दोनों को जब हम क्रॉस करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो उस तरीके से जो हमको आउटपुट मिलता है वो होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, जहाँ पे एन कैप जो है उस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता था। तो आज हम बात करेंगे कि अगर यहाँ पे दो वो वेक्टर्स यूनिट वेक्टर होंगे, तो उस केस में इन दोनों यूनिट वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है या फिर वेक्टर प्रोडक्ट है वो कैसे होगा, आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, हमको पता है कि यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं यूनिट वेक्टर्स की, तो एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है, एंड जेड एक्सिस के अलोंग जो के कैप है वो यूनिट वेक्टर है। तो बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे इन यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है स्टूडेंट्स, आप इस सर्कल से भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये सर्कल कैसे हेल्प करेगा, ये पूरे कंसेप्ट को समझने के बाद हम इसको देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कंसेप्ट। तो सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स की आई कैप इंटू आई कैप, क्योंकि देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि हम दोनों जो यूनिट वेक्टर ले रहे हैं वो आई कैप ही है, तो उस केस में इन दोनों यूनिट वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो होगा ए बी साइन थीटा, यानी कि आई कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा बेसिकली, देन अगेन जो सेकेंड वेक्टर है उसका भी आई कैप का मैग्नीट्यूड, एंड देन साइन थीटा। तो क्योंकि यहाँ पे दोनों ही वेक्टर जो है स्टूडेंट्स, देखिए ये आई कैप है, तो उनके बीच का जो एंगल है वो थीटा जो है वो जीरो हो जाएगा। और ये ऐसा इसलिए क्योंकि हमने पढ़े थे कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है, ए बी साइन थीटा इन केस ऑफ अगर हमारे पास दो वेक्टर ए एंड बी हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों वेक्टर जो है वो आई कैप यानी कि यूनिट वेक्टर है अलोंग द एक्स एक्सिस, तो उस केस में हो जाएगा आई कैप मैग्नीट्यूड देन आई कैप मैग्नीट्यूड देन साइन जीरो डिग्री, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल है वो जीरो डिग्री होगा, क्योंकि दोनों ही जो वेक्टर हैं वो सेम है। तो अब हमें पता है स्टूडेंट्स की यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है वो वन होता है, देन ये वन इंटू एंड साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, तो ओवरऑल देखें तो वन इंटू जीरो हमको आंसर मिल जाएगा जीरो। ओके स्टूडेंट्स, तो आई कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से जे कैप क्रॉस जे कैप यानी कि अलोंग द वाई एक्सिस के जो हम यूनिट वेक्टर ले रहे हैं वो जे कैप हैं, तो उस केस में भी अगर हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की तो हमको वैल्यू जीरो मिलेगी, एंड इसी तरीके से के कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू भी हमको जीरो मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा सिक्वेंस चेंज करेंगे, यानी कि अलग अलग यानी कि डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स की बात करेंगे। तो आई कैप क्रॉस जे कैप के केस में क्या होगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू देन जे कैप का मैग्नीट्यूड इंटू साइन 90। अब यहाँ पे 90 डिग्री क्यों हुआ, आपको पता है स्टूडेंट्स की जो आई कैप है ये यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस के अलोंग, एंड जे कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है वाई एक्सिस के अलोंग। तो आपको पता है स्टूडेंट्स की एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना बनता है, वो होता है 90 डिग्री। ओके, ये आपको पता है पहले से। तो बेसिकली यहाँ पे इन दोनों ही वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगा वो 90 हो जाएगा। तो इस तरीके से आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू जे कैप का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा एन, वहां पे था एन कैप। अब देखिए स्टूडेंट्स, जहां पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री, तो आपको पता होगा कि जब हम रिजल्टेंट वेक्टर की बात करते हैं वो भी क्रॉस प्रोडक्ट के केस में, तो उस केस में यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो एन कैप से पता चलती है। एन कैप क्या होता है, जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हमको मिलने वाला है वही उसकी रिजल्टेंट की डायरेक्शन होती है, और इसको हमने इन डिटेल में क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट की वीडियो में समझा चुके हैं, राइट। तो उस केस में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर जो है वो जेड एक्सिस होती है, एंड जेड एक्सिस के अलोंग जो है बेसिकली वो के कैप यानी कि यूनिट वेक्टर होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने के कैप लिखा हुआ है। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड हो जाएगा वन, क्योंकि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो वन होता है, ऐसे ही जे कैप की वैल्यू भी वन हो जाएगी, साइन 90 की वैल्यू वन होती है, एंड के कैप रहेगा एज इट इज, तो वन इंटू वन के कैप, तो आंसर मिल जाएगा के कैप। तो इस तरीके से हमको एक कंक्लूजन समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स की आई कैप क्रॉस जे कैप जब हम करते हैं तो हमको के कैप जो है वो सॉल्यूशन मिलता है, यानी कि मैग्नीट्यूड मिलता है रिजल्टेंट वेक्टर का। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप समझ गए कि आई कैप क्रॉस जे कैप का जो सॉल्यूशन होगा वो के कैप होगा। इसी तरीके से जब आप जे कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी आई कैप। अभी कैसे मिलेगी, देखिए जे कैप का मैग्नीट्यूड देन के कैप का मैग्नीट्यूड देन साइन 90, क्योंकि y एंड z एक्सिस के बीच में जो है एंगल है वो 90 होता है, एंड x एक्सिस जो है वो y एक्सिस एंड z एक्सिस के अलोंग 90 डिग्री पे होता है, इसलिए यहाँ पे हमने i कैप ले लिए हैं। तो 1 इंटू वन इंटू वन इंटू आई कैप हो जाएगा, तो ओवरऑल हमको i कैप मिल जाएगा।
इसी तरीके से स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं के कैप क्रॉस आई कैप की, तो के कैप का मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू साइन 90 इंटू इन दोनों ही बेसिकली यूनिट वेक्टर के जो परपेंडिकुलर होता है वो जे कैप होता है, तो 1 × 1 × 1 जे कैप, तो ओवरऑल ये हो जाएगा जे कैप। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, अगर दोनों ही जो यूनिट वेक्टर हैं वो अगर सेम होंगे तो हमको रिजल्टेंट वेक्टर में जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो जीरो होगा, जीरो होगा, जीरो होगा। लेकिन अगर आई कैप इंटू आई कैप क्रॉस जे कैप कर रहे हैं तो उस केस में के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप कर रहे हैं तो आई कैप, देन के कैप क्रॉस आई कैप कर रहे हैं तो जे कैप हमको मिलने वाला है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको याद करना कोई टफ नहीं है, क्योंकि इसके लिए जो हमने अभी सर्कल देखे थे उसमें हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाले लास्ट में, पर इसके पहले एक और ट्विस्ट हो सकता है कि आई कैप क्रॉस जे कैप के केस में तो हमको के कैप मिल रहा है, लेकिन अगर इनका सीक्वेंस ऑल्टर हो जाए यानी कि चेंज हो जाए तो उस केस में क्या होगा। हमने एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया था स्टूडेंट्स कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है अगर, तो उस केस में क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, तो उस केस में माइनस साइन लग जाता है स्टूडेंट्स, यानी कि इसकी डायरेक्शन जो है वो इस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। तो उस बेसिस पे जो नेक्स्ट कंक्लूजन है वो ये है कि यहाँ पे जब हम जे कैप क्रॉस आई कैप करते हैं तो हमको जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो माइनस के कैप होगा, यानी कि देखिए आई कैप क्रॉस जे कैप जब था तो के कैप मिल रहा था, अभी भी हमको के कैप मिलेगा लेकिन डायरेक्शन उसकी उल्टी मिलेगी क्योंकि हमने सिक्वेंस चेंज कर दिए हैं। ऐसे ही के कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो माइनस आई कैप, एंड आई कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो माइनस जे कैप। तो अब प्रॉब्लम ये आती है स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स जो हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको लर्न नहीं कर पाते हैं कि कब माइनस होगा एंड कब पॉजिटिव होगा। तो उसके लिए हम एक सर्कल की हेल्प लेंगे जिससे हमको ये इजीली याद हो जाएगा। तो इस सर्कल के हेल्प से हम इजीली इस फॉर्मूलेस को याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई कैप देन जे कैप देन के कैप इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो हो जाएगा ये आई कैप जे कैप एंड के कैप। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी कि आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो के कैप मिलेगा। ओके, जे कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो आई कैप मिलेगा, देन के कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो हमको जे कैप मिलेगा। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। वहीं पर अगर हम बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो हमको यहाँ पे निगेटिव वैल्यू मिलेगी, यानी कि जब हम बोलेंगे कि जे कैप क्रॉस आई कैप तो माइनस के कैप मिलेगा, आई कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो माइनस जे कैप मिलेगा, एंड के कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो माइनस आई कैप मिलेगा। तो सिंपली इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।